डेकोरेशन भी बहुत ही अच्छी हुई हुई है। और इस नींबू को जो सा रखा है उसको करें स्क्वीज और टमाटर को तोड़ें और इसको खाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल, क्योंकि विद नाज़नीन को सब्सक्राइब नहीं किया, या आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल क्योंकि विद नाज़नीन के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही मज़ेदार, यूनिक सी लेकिन आसान तरीके से बनने वाली रेसिपी सीखने को मिलेंगी। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की रेसिपी भी हमारी बहुत टेस्टी और मज़ेदार है, और आप लोगों को अंदाज़ा भी हो गया होगा वो साशे देख के कि आज हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है अचार गोश्त। और अचार गोश्त किस तरह बनेगा, इसकी रेसिपी क्या है, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो से अचार गोश्त के लिए मसाला तैयार करना है वो प्याज जो से मम्मा ने पकने के लिए रख दी हैं। लाइट कलर हम लोगों ने उनको देना है, और यहाँ पर जो से हम लोगों ने स्पाइसेस रखे हुए हैं। जी मम्मा, अब आप बताएं वन बाय वन। अच्छा, ये 1 किलो गोश्त है बकरे का, ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा। हाँ जी, बकरे का। ये आधी चम्मच हल्दी का, 1 चम्मच नमक का, ये थोड़ा सा पिसा हुआ सूखा धनिया है। ये मैं मिक्स मसाला बनाती हूँ अचार गोश्त का, वो मैं आपको बता दूंगी। ये ज़ीरा आधा चम्मच, आधा चम्मच ही मिर्च का सुरख का, ये दादरी मिर्च है 1 चम्मच। हाँ जी, ये दादरी मिर्च, ये मैंने बता दिया। अच्छा, ये 3 टमाटर डालेंगे, ये नींबू, वो ये वाला मसाला मैं ना लिफाफा खोलूँगी, ये थैली साशे को खोल के ना, तो ये काट के ना इसमें नींबू मिक्स करके ना, फिर ये मिर्चें ना मैंने टक लगाई हैं, ये चीरा दिए ने, तो फिर ये इनमें भर दूंगी नींबू डाल के। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, और वो दही ली हमने। हाँ जी, 1 कप दही का डाल दें, ठीक है। और तो बहुत मज़ेदार बनेगी, आप देखना, और इंशाल्लाह बन भी जल्दी से जाएगा, बस गोश गलने का इंतज़ार है। ठीक है, तो अभी हम लोग भी बस प्याज होने का वेट करते हैं, फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। जी, तो व्यूवर्स, यहाँ पर प्याजों से मम्मा ने पकने के लिए रख दिए हैं, तो अब इनको हम लोग थोड़ा सा लाइट कलर करते हैं और फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। गोश्त और साथ ही मैंने ना लहसुन डाल दिया। पहले इसे भूनते हैं अच्छी तरह, बुखार लग गया, ठीक ऐसे हो जाते हैं। अब इसे ना अच्छी तरह में भूनते हैं, तो ना इसमें ना साथ ही ना नमक डालें, टमाटर भी डाल दिए मैंने। अब इसे अच्छी तरह ना भून दें, ये टमाटर भी हो जाएंगे, ये गोश्त भी भुना जाएगा, अदरक अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने डाल दिया, नमक भी डाल दिया मैंने, ठीक है। और ये भुना जाएगा ना, फिर ये सारे मसाले डालूंगी मैं, जो मैंने आपको दिखाए थे प्लेट में निकाल के, वो डालूंगी। फिर दही डाल के ना गलने के लिए गोश्त रख देंगे, फिर उसके बाद जो दूसरा बाजार वाला मसाला है वो मिर्चें, दूसरा मसाला भी डाल देंगे। फिर अब ये 5 मिनट भूनते हैं, सारे मसाले मैंने डाल दिए। अब अच्छी तरह ना 5 मिनट भून के ना, फिर दही डाल के ना गोश्त, क्योंकि गलने के लिए हम लोग इतना, फिर उसके बाद फिर भून के वो मिर्चें वगैरह डालूंगी, बाजार वाला मसाला भी डालूंगी। तक इतनी प्यारी खुशबू खुलने लग गई है, अच्छी तरह भूना गया ये। 5 मिनट भून के ना फिर मैं दही भी डालती हूँ इसमें, ये मैंने दही भी डाल दिया। अब दही को मिक्स करके ना क्योंकि गोश अभी सख्त है, कच्चा भी है, गला भी नहीं है,
चले अब दही डाल दी है, ये सारा काम हो गया। अब फिर एक दफ़ा भुनेंगे इसे। हाँ जी, दही भी डाल दी सब चीज़ें, ये कप पानी का डाल दिया मैंने। अब ये गोश्त गल जाए, हला दिया। अब गोश्त गलने का इंतज़ार करते हैं, बस बकाया काम डाल दिया। देखते कि जो सी हम लोगों ने रखी थी यहाँ पे अचार गोश्त की रेसिपी तैयार होने के लिए, तो क्या उसका लुक है। तो गोश्त अभी नहीं गला, गोश्त भी कैसा रहा, लेकिन अभी जो सा है वो पानी भी इसके अंदर है, तो अभी इसको थोड़ी देर मज़ीद पका सके, जो सा गोश्त है वो भी गल जाए और जो पानी ये भी रिड्यूस हो जाए और मज़ेदार से जो सी हमारे चार गोश्त की रेसिपी वो तैयार होगी। लेकिन अभी ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में जो सी मिर्ची अभी मम्मा ने आपको दिखाई थी वीडियो के शुरू में, उसको हम फिल करेंगे और मतलब उसको लीमू के साथ किस तरह मतलब उसको मिक्स करके उसको मिक्सचर उसके अंदर फिल करने के बाद उसको ऐड करेंगे, तो वो सब कुछ आप लोगों ने देखना है हमारी आज की वीडियो में। और आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, बिल्कुल स्किप नहीं करना, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी वीडियो को पूरा देखें। तो अभी करते हैं वेट और आपको दोबारा दिखाते हैं। मतलब निचोड़ रही हूँ रस निकाल। हाँ जी, ये ना मतलब जो मसाला नहीं बाजार का, उसमें नींबू का रस मैंने निचोड़ा है, इससे ना ज़रा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। ये देखें, ये भी निचोड़ना ही पड़ेगा। कितने नींबू आपने यूज़ किए हैं? मैंने तो एक ही किया है, मिर्चें ज़्यादा नहीं ना मैं डाल रही, अपनी मर्ज़ी से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिर्चें मिर्चों से है ना, क्योंकि हम लोग ज़्यादा नहीं खाते, मैदे की तकलीफ़ है ना, तो इसलिए। ये देखिए, ये मैंने मिक्स कर लिया ना, अब मैं ना हाँ जी, ये ना अब मसाला ना, ये देखिए मतलब आप लोगों को पता है कि चार गोश्त में जो से मिर्ची है उनकी फिलिंग तो हाँ की जाती है, लेकिन किस तरह किस क्या करनी है आप लोगों ने। ये देखें, ये देखें, ये मैंने मसाला बेटा लगा दिया, बता देते हैं। ये देखें, इसी में रखी जाती है ना ऐसे ना, ये सारे अगर आप मतलब ज़्यादा मिर्चियाँ डालनी है ज़्यादा, तो ज़्यादा मिर्चियाँ ले लें, मोटी मोटी सी ले लें बस। इसके पापा से ये छोटी वाली लेके आए हैं, दूसरे दे दी छोटी वाली। मैंने मसाला भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाया है, बहुत मज़े की जो सी मिर्च है, जब आप खाएंगे तोड़ के तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, खट्टी खट्टी भी और स्पाइसी भी। और ऊपर से ना नींबू लगा के निचोड़ के चलो। ये देखिए, ये मैंने मसाला भी डाल दिया, माशाल्लाह बहुत मज़े का बन रहे हैं सालन, आप खाएंगे इंशाल्लाह तारीफ ही करेंगे। अब ये पानी ना खुश्क करना है इसका, गोश्त गल गया लेकिन पानी भी खुश्क नहीं हुआ, पानी को हम लोगों ने जल्दी से खुश्क कर लेना और उसके बाद जो थी मिर्चें भी मम्मा ने आप लोगों के सामने फील की हैं उसको मिलकर शामिल करेंगे। हाँ जी, ये मैं मसाला और ये मिर्चें सारे डाल दिए इसमें। पकने की तरफ देखते हैं 5 मिनट के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू भी बहुत अच्छी आई है, जो सी मिर्ची है वो देखें आप लोग अगर गौर से, तो मसाला उनके अंदर अभी भी फिल किया हुआ है। तो अब मम्मा इसको डिश आउट कर रहे हैं, जी। तो व्यूवर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो सी आज की रेसिपी है अचार गोश्त, वो बिल्कुल तैयार हो गई है और ये है उसका फाइनल लुक। और खुशबू माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है और इसको देखकर जो है मुंह में पानी आ रहा है। गर्मा गर्म अब आप लोग जो से है वो नान मंगाएं या मंगाएं कश्मीरी रोटी, जिसको मतलब खमीरी रोटी सॉरी कहते हैं, वो मंगवाएं आप और इसको करें इंजॉय, तो बहुत ही मज़ेदार आप लोगों को लगेगा खाने में ये। तो खुशबू और जायका बहुत ही मज़ेदार, इसका मतलब जो सा है अपने देखने वाले को अपने खाने वाले को अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और हमें अपनी फीडबैक देनी है। तो व्यूवर्स, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आपके लिए दुआ को हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।